जय हिंद प्यारे साथियों, यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर मैं आज बात करने वाला हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियों के बारे में। देखो, आपका सपना यदि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, पीएचडी करना है या फिर हायर एजुकेशन से रिलेटेड यदि कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है उससे ऑलवेज अपडेट रहना है, तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल कम्प्लीटली हायर एजुकेशन को समर्पित है। अब देखो, यहाँ पर मैं आज असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि दिल्ली ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से निकली हुई हैं और 12/7/2022 का नोटिफिकेशन है ये। और ध्यान रहे, यहाँ पर जो आपको सैलरी है वो पे लेवल 10 के अकॉर्डिंग मिलेगी, जिसमें आपका पे स्केल 57,700 रुपये से लेकर 182,400 रुपये तक रहेगा। इसके अलावा आपको सेंट्रल पे, कमीशन पे, मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी। और आपका अपना जो फॉर्म है वो 5/8/2022 तक अप्लाई करना है, और ठीक है, और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक कॉलेज है जिसका नाम है PGDAV कॉलेज, जहाँ से कि ये रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। अब यहाँ पर मैं नंबर ऑफ वैकेंसियों के बारे में बता देता हूँ, टोटल 85 वैकेंसियाँ हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें देखो कॉमर्स की टोटल 14 वैकेंसियाँ हैं यहाँ पर। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस की 5 है, इकोनॉमिक्स की 7 है, इंग्लिश की 9 है, हिंदी की 9 है, हिस्ट्री की 5 है, मैथमेटिक्स की 11 हैं, फिजिकल एजुकेशन की 2 हैं, पॉलिटिकल साइंस की 12 हैं, संस्कृत की 7 हैं, स्टैटिक्स की 4 हैं और टोटल वैकेंसियाँ यहाँ पर 85 हैं। इसमें यदि हम जनरल की बात करें तो 28 है, एससी की बात करें तो 14 है, एसटी की 9 है और ओबीसी की टोटल 23 वैकेंसी हैं। पीडब्ल्यूबीडी की टोटल 4 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस की टोटल 7 वैकेंसी हैं, ठीक है। उसके बाद में हम यदि यहाँ पर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह के बारे में, तो देखो यहाँ पर आपकी फॉरम फीस है जो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की फॉरम फीस यहाँ पर 500 रुपये, बाकी की जो अदर कैटेगरी है जैसे एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, इनकी यहाँ पर तो यदि यहाँ पर हम फॉरम फीस के बारे में बात करें तो ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस की फीस यहाँ पर 500 रुपये, इसके अलावा एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और वुमेन कैंडिडेट की यहाँ पर कोई फॉरम फीस नहीं है। इसके अलावा यदि यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करूँ तो यूजीसी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिलअप किया जाएगा, मतलब आपके पास पीएचडी होनी चाहिए, इसके अलावा आपके पास नेट क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, बाकी आप यूजीसी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, जिसको आप अच्छे से जानते होंगे। और द कॉलेज रिजर्व हाई द चेंज द नंबर ऑफ नेचर एंड पोस्ट ऑफ नॉट टू फिल अप एनी ऑल द पोस्ट एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो इस तरीके से यदि आप इंटरेस्टेड हैं यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के लिए, तो आप प्लीज़ ज़रूर अप्लाई करें। साथ ही साथ यहाँ पर मैं बता दूँ, आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो यहाँ पर आपका इंटरव्यू के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मेट है। बाकी इस वेबसाइट का जो ऑफिशियल लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कल एक यूनिवर्सिटी बाबा साहिब अम्बेडकर विश्वविद्यालय से भी पीएचडी असिस्टेंट प्रोफेसर का रिक्रूटमेंट निकला था, और उससे पहले भी एक यूनिवर्सिटी थी जहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर का रिक्रूटमेंट निकला था। इसके अलावा जल्द ही देखो यूपी में फॉर्म भरे जा रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, राजस्थान में जल्द आने वाली है, हरियाणा में आने वाली है, साथ ही साथ बता दूँ मेरे प्यारे साथियों मध्य प्रदेश में भी आने वाली है और महाराष्ट्र में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियाँ आने वाली हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए, थैंक्स, बाय।